दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त भारत जांगिड और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। आज हमारे पास है दोस्तों आधा HP का मोनोब्लॉक पंप जो कि 1400 RPM का है और हैवेल्स कंपनी का है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसका जो मॉडल है वो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए डिस्क्रिप्शन प्लेट पे यहाँ पे लिखा हुआ है D2 इसका जो मॉडल है दोस्तों 15 UF का इसमें कैपेसिटर है रनिंग, और यहाँ पे देखिए इसका जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है 40-60 UF का इसमें लगा है और 1400 RPM है और मैक्सिमम लोड के जो एम्पियर है इसके 3.4 एम्पियर। तो दोस्तों इस मोटर में जो प्रॉब्लम है, कस्टमर का कहना है काफ़ी ज़्यादा मोटर में से आवाज़ आ रही है और मोटर में कोई भी प्रेशर भी नहीं है बिल्कुल भी, पानी बहुत कम दे रही है। तो इस वीडियो में आज हम कंप्लीट इसको खोल के चेक करेंगे और आपको बताएंगे क्या प्रॉब्लम है, किस टाइप से आपको इसमें चेक करना है, किस वजह से इसका प्रेशर कम है। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को हमने कर लिया स्टार्ट। सबसे पहले हेड के जो 4 बोल्ट लगे हुए हैं जो कि 13 नंबर चाबी का इसमें यूज होगा, उसको हम खोलकर हेड को खोलेंगे सबसे पहले, क्योंकि हेड को ही हम चेक करेंगे, प्रेशर का इश्यू है और मोटर का जो साउंड है उसके लिए भी बाद में देखेंगे, क्योंकि हेड के अंदर से भी प्रॉब्लम आ सकती है आवाज़ की भी। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी टाइप के नॉलेजफुल वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाते हैं। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन और मैं हूं आपका दोस्त भारत जांगिड़। तो दोस्तों हेड के 5 बोल्ट हमें खोल लेने हैं यहाँ पे, उसके बाद में आगे देखिए मोटर के अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो ये हेड है हमारा बिल्कुल, ये इसके जो 5 बोल्ट हैं वो हमारे बोल्ट आसानी से खुल गए हैं। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए इसकी जो प्लेट है इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ थोड़ा ठोक लेंगे हैमर से, जो कि आसानी से हट जाएगी। यहाँ पे थोड़ी चिपकी हुई है, ये देखिए डस्ट वगैरह से चिपक जाती है यहाँ पे। तो दोस्तों प्रॉब्लम इसकी मिल चुकी है, वैसे देख पा रहे हैं एम्पलर हाथ लगाते ही काफ़ी ज़्यादा लूज है, देखिए काफ़ी ज़्यादा लूज है एम्पलर। जैसे ही मोटर चलती है तो ये आगे पीछे अप डाउन होता है और इसकी वजह से इसने पूरा हेड भी काट दिया है, मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये देखिए बिल्कुल नट को हमने बिल्कुल खोला भी नहीं है, अभी टच भी नहीं किया है, देख पा रहे हैं बिल्कुल अप डाउन हो रहा है, लेफ्ट राइट भी हिल रहा है एम्पलर, बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। इसी की वजह से दोस्तों मोटर के अंदर खलखल की आवाज़ आती है, तो बिल्कुल कहना ठीक है। बाकी इसको काफ़ी ज़्यादा चला दिया है, उसके अंदर एम्पलर भी लूज हो गया इसका। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो काफ़ी ज़्यादा लूज है ये, आप देख पा रहे हैं। तो इसको हमें सबसे पहले जो इसका बोल्ट आप देख पा रहे हैं इसको खोलना होगा, उसके बाद में आगे इसको हम चेक करेंगे। दोस्तों देख पा रहे हैं अप डाउन की वजह से ये देखिए प्लेट कितनी ज़्यादा कट गई है, बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से गैप आने की वजह से इसमें प्रेशर बिल्कुल नहीं है मोटर के अंदर। तो दोस्तों ये इसका इनलेट पाइप है और ये आउटलेट आप देख पा रहे हैं, तो इसको हमें यहाँ पे निकालना होगा, इसके बाद ही कुछ आगे पता लगेगा कि नीचे वाली प्लेट का क्या हाल है यहाँ पे। तो इसमें दोस्तों देखिए जो चाबी हमारी फिक्स आ चुकी है इसमें, और ये देखिए एम्पलर को आपको इस टाइप से होल होता है नीचे प्लेट में, उसमें कोई भी स्क्रू ड्राइवर वगैरह आपको लगा लेना है कोई भी, जिससे कि काफ़ी आसानी से एम्पलर रुक जाएगा और बोल्ट है आपका जो कितना भी टाइट हो आसानी से खुल जाएगा यहाँ पे। तो बोल्ट हमने इसका खोल दिया है, इसके बाद में दोस्तों इसको लगता है बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, ये देखिए कोई पुलर वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, और ये देखिए नीचे की तरफ से भी थोड़ा कटा है ये, तो यहाँ पर देख पा रहे बिल्कुल टच होके नहीं चल रहा था, पीछे भी काफ़ी ज़्यादा गैप है इसमें, देख पा रहे हैं पूरा जंग लगा हुआ है, एम्पलर बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा है नीचे की तरफ। चलिए नीचे वाली प्लेट को यहाँ पर देख पा रहे हैं, नीचे छैनी से जो कि हमारी मोटर कटिंग की छैनी है पतली, इससे चारों तरफ से इसको थोड़ा थोड़ा ठोक लेंगे और ये काफ़ी आसानी से हट जाएगी। ये देखिए हेड के नीचे वाली जो प्लेट है ये दोस्तों देखिए जो पैकिंग लगी हुई है उसकी वजह से चिपकी हुई थी, तो ये देखिए चाबी भी इसकी कटी हुई है, मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि चाबी ही इसकी लूज हुई है जिसकी वजह से पूरा सिस्टम इसका गड़बड़ हुआ है, चाबी इसकी यहाँ से थोड़ा कट लग गया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, चाबी रिप्लेस कर सकते हैं, बाकी कोई समस्या भी नहीं है। तो इसके बाद में दोस्तों जो पुरानी पैकिंग लगी हुई है इसकी, इसको हमें यहाँ पे साफ कर लेना है अंदर बाहर से, दोनों पैकिंग को बिल्कुल अच्छे से साफ करना होगा। तो दोस्तों ये देखिए पैकिंग आपको हमेशा, यदि मोटर खोलने के बाद फट जाती है तो आपको हमेशा नई पैकिंग जरूर लगाना है, वरना मोटर के अंदर प्रेशर नहीं आएगा। तो पैकिंग के लिए यहाँ पे देखिए पूरी को अच्छे से साफ कर लेंगे, यहाँ पे पूरा पेपर बिल्कुल हट जाना चाहिए बिल्कुल भी। और ये देखिए यहाँ पे भी एक रिंग लगी हुई है जो कि आगे की तरफ लगता है पार्ट, उसकी टक्कर पे लगाई जाती है, तो इसको भी हम यहाँ पे बिल्कुल साफ कर लेंगे। दोस्तों पैकिंग हटाकर ही हम इसका गैप चेक करेंगे कि हेड के अंदर कितना गैप है। तो दोस्तों देखिए पैकिंग हमने हटा ली है और एम्पलर बीच में रख दिया है, दोनों प्लेटों के बीच में
एम्पलर को हमने सेट कर दिया है। तो ये देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा कटा हुआ है यहाँ पे और बिल्कुल प्रेशर इसीलिए इसमें बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यदि इस टाइप से साउंड आ रहा है हिलने का, और हिलना भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी एम्पलर, तो काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है, गैप काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, आगे वाली प्लेट इसकी बहुत ज़्यादा कट चुकी है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं इस टाइप से आप एम्पलर को पकड़कर चेक कर सकते हैं। यदि आपका अप डाउन हो रहा है एम्पलर तो आपको इसको टर्नर के पास ले जाकर टर्न कराना होगा और उससे ये बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो दोस्तों बोल्टिंग कंप्लीट इसकी साइड में हम रख देते हैं और इसकी जो हेड प्लेट हैं दोनों इनको हम टर्न कराएंगे, जिसका वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर मिलेगा। पूरा टर्निंग बताएंगे किस टाइप से आपको इसे टर्न करना है, तो इसकी नॉलेज आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा मिल जाएगी। उसको हम फिट भी करेंगे, पूरा चेक कराएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।